हे गाइस, हाय, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज है सैटरडे और इसीलिए मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि सैटरडे संडे मैं व्लॉग करूँगी, मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे अपना सैटरडे संडे मैं मैनेज करती हूँ। और मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, जस्ट लाइक आधा घंटा पहले से उठ गई थी, लेकिन मैं तब जो प्रॉपर उठना होता है वो आधा घंटा पहले उठी हूँ। और अभी जस्ट मुंह धोया है, ब्रश किया है, सब कुछ अभी किया है। और अभी मैं ब्रेकफास्ट करके चाय पी के चली जाऊँगी मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ कुछ लेना है, जैसे कुछ मसाला जो होता है नॉर्मल, वैसे सारे मैंने वॉशिंग मशीन चलाया है। और मैं अभी किचन में हूँ, चाय बनाऊँगी। मेरा घर का हालत बहुत ख़राब है। मैं आपको पिछला बार जब मैं व्लॉग की थी तब मैंने बताया था कि मैं घर को ठीक करने वाली हूँ, लेकिन मैं बैंगलोर चली गई थी और मैं नहीं कर पाई। और वीक डेज़ में नहीं होता, क्योंकि वीक डेज़ में ऑफिस से आने के बाद मैं वीडियो एडिट करती हूँ और सो जाती हूँ। मेरे यही रूटीन हो रहा है, मुझे एक प्रॉपर रूटीन बनाना है। मुझे योगा भी इंक्लूड करना है उसके अंदर, क्योंकि सब कुछ ना मेस्ड अप होके पड़ा है। तो ये देखिए, ये फ्रिज के ऊपर मैंने जस्ट रखा है, प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि आप सबको शायद समझ आ रहा है कि कितना बिजी हो गई हूँ मैं। मेरा लाइफ मतलब पहले जैसा था ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आज बालों को डीप कंडीशनिंग भी करना है। मैं मेरे बाल आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए, मतलब थोड़ा बहुत सेटअप हो गया है अभी। मतलब केरला के वेदर पे, बैंगलोर बोल रही थी, केरला के वेदर पे रिटेन कर रहा है। और मैं सैटिन का पिलो कवर में सो रही हूँ। और मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ कि हाउ टू स्लीप विद गर्ल्स। आज एक मैं वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं एजबा का रिव्यू करूँगी। तो ये आज का मेरा प्रॉपर रूटीन है। आई होप आज सब कुछ मैंने जैसा प्लान किया है वैसे होगा। मैं आज एक सुपरमार्केट पे जाने वाली हूँ, पास में मोर सुपरमार्केट मैंने सर्च किया है, तो वहीं से मैं कुछ सब्जी वो सब ले आऊँगी। सब्जी नहीं, मसाला ले आऊँगी, क्योंकि मैं सोच रही कि मैं संडे को कुछ कुछ बना के रख दूँगी। और मैं ऑफिस में आजकल ऑफिस का खाना नहीं खा रही हूँ, मैं घर से लेकर जा रही हूँ, तो मैं वही खा लूँगी। मतलब वो रीहीट करते करते खा लूँगी। मतलब 2 दिन का तो बना के मैं रख सकती हूँ, और तीसरा दिन देख लेंगे, क्योंकि मेरा एक दिन वेज होता है, थर्सडे वेज होता है, और जो बाकी के दिन है मैं नॉन वेज खा सकती हूँ। और यस, और मंगलवार को भी वेज डे होता है। तो ये है मेरा रूटीन। अब मैं देखूँगी कि मैं कैसे क्या कर पाती हूँ। अभी तो मुझे ब्रेकफास्ट खाना है। ब्रेकफास्ट में मैं क्या खा रही हूँ पता है? मैं चावल ही खा रही हूँ, चावल, और उसके साथ मैं ऑमलेट कर लूँगी, एक ऑमलेट, और उसके साथ मैं चाय पीऊँगी, थोड़ा सा खा लूँगी, क्योंकि बाहर जाने के बाद ऑब्वियसली मैं कुछ खाऊँगी आज। और केरला का खाना मुझे उतना जम नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ नारियल तेल से बनता है। मुझे पता है ये मतलब अच्छा है, लेकिन क्योंकि मेरा फूड हैबिट बिल्कुल डिफरेंट है, सो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो भी सब सही हो जाएगा। थोड़ा सा दिन का बस बात है। मेरा नए फ़ोन से मैं शूट करी, ये मेरा Honor 20i है, और अच्छा लग रहा है अब तक तो। इसका जो पिंपल्स था कम हो गया है, लेकिन दाग बहुत ज़्यादा है। ये भी देखिए, यहाँ पे कम है, लेकिन ये तरफ में बहुत ज़्यादा है, तो वो भी मुझे केयर करना है ये सारे का भी। और भी छोटे मोटे बहुत सारा काम है, घर पोछना है मुझे, एक कुछ किचन का टॉवल भी लाना है, तो वो सब लेकर आके मैं घर का काम करूँगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ना वेस्ट कपड़ा कुछ भी नहीं है, मैं बैंगलोर से भी लाना भूल गई हूँ। तो ये सब कुछ कुछ प्लान है। मुझे एक लिस्ट लेना है कि क्या क्या मुझे चाहिए। तो ऐसे जो होता है ना, अकेला रहने का यही मज़ा है कि आप के अनुसार ही आप काम करोगे। तो ठीक है, चलो अभी चाय बना लेती हूँ, और उसके बाद चाय पी के चार्ज होके निकल जाते हैं मार्केट के लिए। और हाँ, मेरे घर के मतलब 900 मीटर दूर में ही फिश मार्केट है, सब्जी मार्केट है, सब कुछ है, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा घर अच्छा लोकेशन पे ही है, तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम अभी तक नहीं आया है कि सब कुछ दूर दूर है। लेकिन हाँ, मुझे ये फील हुआ कि यहाँ पे थोड़ा दूर दूर में सब कुछ है, तो ये वाला मुझे यहाँ पे फील हुआ। तो देखिए, मेरे घर से कुछ ऐसा व्यू आता है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, लेकिन दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है मेरे रूम पे, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आता है। तो अभी नाश्ता हो गया है, मतलब राइस ही खा लिया है, और अभी चाय पी रही हूँ, और उसके बाद निकलना है। बाहर का धूप देखने से और मन नहीं कर रहा है मुझे निकलने के लिए, और बस यही है। लेकिन अकेला जब आपको रहना होता है तब आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उसके बाद मैं रेडी होके चली गई, और यहाँ पे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही हूँ। यहाँ से बाहर निकलने के बाद ही आपको अम्ब्रेला, नहीं तो स्कार्फ, ये सब आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है बाहर कि आप टैन ज़रूर हो जाओगे। मैं इतना कुछ लेकर गई थी, फिर भी मैं एक्सट्रीम टैन होके आई थी। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो सनस्क्रीन आप ज़रूर लाना।
तो इसके बाद मैं निकल गई और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गया था। तो मैं ये शॉप है, इसका नाम है आर्यास वेज। तो यहाँ पे मैं मील खाई, ये है टिपिकल केरला मील। यहाँ पे आपको दो टाइप का राइस ऑप्शन मिलेगा, एक है रेड राइस और एक है वाइट राइस। तो मैंने वाइट राइस लिया था और देखिए यही है केरला का स्पेशल थाली में। मुझे सबसे अच्छा लगता है यहाँ का चटनी, नारियल का जो चटनी होता है मुझे सबसे अच्छा लगता है, ये जो आपको अभी दिख रहा है। सो ये देखिए मैंने राइस लिया, मैंने वाइट राइस से लिया था और मुझे बहुत तेज़ भूख लगा था, तो मैंने पेट भर के यहाँ पे खाया। और मैं जाते जाते यहाँ से मिनी गुलाब जामुन भी ले गई। यहाँ पे मतलब इस आर्या का मिनी गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये एयरपोर्ट सी पोर्ट रोड में है, ये देखिए मैं वही ले रही थी। एक्चुअली मैं स्वीट इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन बस मैं मिनी गुलाब जामुन ही खाती हूँ। ये मैसूर में बहुत फेमस मिलता था, मैसूर का जैसा टेस्ट नहीं है लेकिन ओके ओके टेस्ट है। तो ये सब भी आपको वहाँ पे मिलेगा, काजू कतली, देन गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ये सब भी आपको मिलेगा, लेकिन मेरा फेवरेट है ये। तो ये लेकर मैं मोर से कुछ शॉपिंग करके मैं निकल पड़ी मेरे घर के लिए। यहाँ पे एक नेचुरल्स का पार्लर भी है, लेकिन मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ, मैंने जस्ट मतलब देख लिया था क्योंकि मैं अगर बाद में कहीं कभी गई तो मुझे ज़रूरत पड़ेगा। तो यही है मेरे घर जाने का रोड। यहाँ पे रोड देखिए कुछ ऐसा ही है, क्लीन और बहुत अच्छा वाला। मज़े की बात है ये मेन रोड नहीं है, ये बस ऐसा गली का जो रोड है वो वही है। तो मेरा घर आ गया है, थोड़ा सा देर और मुझे चलना है। मेरे पास एक्चुअली लगेज इतना था, मैंने बहुत रेस्ट लिया। देखिए यही है रोड जिस रोड मैं हर दिन फॉलो करके अपने रूम तक पहुंचती हूँ, और उसके सामने ठीक ऐसा है बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, और मैं बहुत हाफ रही हूँ। जस्ट घर पहुंची हूँ और बाहर में इतना ज़्यादा गर्मी है ना, मैं आपको बोल नहीं सकती। और उसके साथ यहाँ पे ना स्वेटिंग होता है, तो पसीने में मैं पूरा लतर पतर थी। और अभी जस्ट आई हूँ, भाई मुझे अनपैक करना है, मैंने जो जो लाया है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने क्या लाया है। एक मिनट, मुझे कॉल आ रहा है। मुझे किसी का कॉल नहीं आता एक्सेप्ट HDFC और क्या कुछ और एक बैंक, SBI भी नहीं, कहीं से तो कॉल आता है मुझे। मुझे अनपैक करना है, घर पूरा ठीक करना है, बहुत सारा काम बाकी है यार। और मैं बाहर में खा के आई हूँ क्योंकि मुझे पता था मैं अभी जाके मैं कुकिंग नहीं कर पाऊँगी, और मुझे वेजिटेबल और फिश जो मैं लेने गई थी वो मुझे मिला नहीं, और भी मुझे बहुत सारा कुछ नहीं मिला, जैसे राइस नहीं मिला, जीरा पाउडर नहीं मिला, वो सब। मुझे शाम को फिर से जाना है, तो शाम को फिर से मुझे काम करना है, सोच के मुझे बुरा लग रहा है अभी। तो अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट ले ली हूँ और अभी थोड़ा सा चार्ज हो गई हूँ। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लाया है। तो आपने देखा होगा कि आर्या वेज होटल से मैंने कुछ खाया है, सॉरी ये ट्राईपॉड थोड़ा सा हिल गया। सो मैंने वहाँ से मिनी गुलाब जामुन लाया है, ये है मिनी गुलाब जामुन जो दिखता है कुछ ऐसा। तो ये मैं मैसूर पर बहुत खाती थी, मुझे नहीं पता इसका स्वाद कैसा है, अगर अच्छा हुआ तो मैं बाद में जाके फिर से ढेर सारा ले आऊँगी। मैं इतना स्वीट नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे मिनी गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली अगर गर्म हो तो। ठीक ठाक है, मैसूर जैसा टेस्ट नहीं है, बट नॉट दैट बैड एंड नॉट दैट गुड। कभी कभी जब स्वीट क्रेविंग होगा तो मैं ये खा सकती हूँ, इतना ख़राब भी नहीं है और इतना अच्छा तो है नहीं, मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मोर मार्केट से क्या क्या लिया है। मोर मार्केट में मैंने टोटल 1250 रुपीज़ का शॉपिंग किया है, दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। पहले तो ये मैंने डब्बा लिया है, ये एक्चुअली किचन में चाहिए है क्योंकि मैंने अब तक कोई डब्बा नहीं लिया है, तो शुगर, चिली पाउडर्स, टर्मरिक पाउडर ये सब रखने के लिए मुझे एक डब्बा चाहिए। उसके बाद मैंने तीन कंटेनर लिया है, ये ओवन प्रूफ है इसीलिए मैंने लिया है, क्योंकि मैं खाना घर से बनाकर ले जाती हूँ इसीलिए। तो ये देखिए ये तीन कंटेनर, तीनों डिफरेंट कलर में है। तो ये हो गया मेरा सेकंड आइटम। उसके बाद ये है चिकन नगेट्स, और ये ना मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे अभी के अभी फ्रिज में रखना पड़ेगा क्योंकि पानी आ रहा है इससे, और ये यम्मीज कंपनी का है। उसके बाद मैंने लिया है टर्मरिक पाउडर, मतलब हल्दी पाउडर। उसके बाद ये एयर फ्रेशनर, ये आप सबको पता है ओडोनिल का है। उसके बाद मैंने लिया है तीन पैकेट मैगी, मैंने ज़्यादा नहीं लाया क्योंकि मैं बाद में ला दूँगी। सैनिटरी नैपकिन, कसौरी मेथी, धनिया पत्ता, ये 15 रुपया का है, तो इसका प्राइस मुझे यहाँ पर ठीक ठाक लगा, बाकी सब कुछ छोड़ के। वेजिटेबल ऑयल मतलब सनफ्लावर ऑयल, जिंजर गार्लिक पेस्ट, छोटा डब्बा लाया है क्योंकि मुझे पेस्ट पसंद नहीं है इसीलिए, मैं बाद में ग्रेट करके यूज़ करूँगी। मेरा फेवरेट ग्रीन चिली सॉस, गुलाब जल, रोज़ वाटर, जीरा, गोटा जीरा, क्योंकि मुझे जीरा पाउडर नहीं मिला और ऑब्वियसली तड़के के लिए मुझे जीरा चाहिए।
कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, ये मेरा फेवरेट है। मोगू मोगू स्ट्रॉबेरी, सॉरी लीची का है ये। ये थोड़ा सा मैं हेल्थ कॉन्शियस हो रही हूँ अभी, इसे लिख दिया एप्पल सीडर विनीगर। ये मैंने सुना है इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। मैं एक कुकुम्बर सैलड बनाने के लिए, ग्रीन चिल्ली है इसमें, यहाँ का ग्रीन चिल्ली ना तीखा नहीं होता है, वो खुद ही बता देते हैं शॉपकीपर। सो ये देखिए, ये इतने साइज बहुत बड़े बड़े हैं इसके, तीखा नहीं है बिल्कुल भी। कैरेट, ये 15 रुपीज़ का कैरेट है और 15 रुपीज़ में मुझे 4 कैरेट मिला है। ये 25 रुपीज़ का पड़ा, इसका प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा हाई है। और विम्बार, और मैंने अलग से ये अगरबत्ती लाया है आइकॉनिक लैक्मे का, मेरा फेवरेट पैराशूट हेयर ऑयल। इलायची ऑब्वियसली गरम मसाले के लिए चाहिए, और मुझे दालचीनी लाना है शाम को। दही, मेरा स्किन केयर हेयर केयर और खाने में मुझे चाहिए ही चाहिए, ये सबके पास होना चाहिए। और मुझे इसके साथ सुई मतलब निडिल भी लेना है SOTC करने के लिए। और 2 किचन टॉवल लिया है, ये 20 रुपीज़ का पड़ा है मुझे, तो इससे साफ़ सफाई करना है मुझे। तो बस इतना ही मैंने लिया है, बस नहीं ये बहुत ज़्यादा हो गया, अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना है घर के लिए। तो अभी मैं घर को थोड़ा सा सेट करूँगी, क्योंकि मुझे शाम को एक वीडियो शूट भी करना है जैसे मैंने आपको बताया। और मैं मुझे प्लीज़ आप लोग आइडिया दीजिए कि मुझे कहाँ पर बैठ के वीडियो शूट करना चाहिए। आइडिया तो मेरे दिमाग में है, लेकिन आप लोग अगर बोलेंगे और आप लोग अगर आइडिया देंगे तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये मेरा सेंटर टेबल है, मैंने क्लीन किया है पिछला वीक में। सो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कि कौन सा जगह ठीक होगा मेरे घर पे वीडियो शूटिंग के लिए। सो आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा घर को ठीक ठाक कर लेती हूँ, क्योंकि घर मेरा पूरा मेस्ड अप है, तो अभी मुझे वो सही करना है। उसके बाद मुझे बालों पे डीप कंडीशनिंग भी करना है, और डीप कंडीशनिंग के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ मेयोनीज, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया है रेसिपी। सो प्लीज़ आप लोग चेक कर लेना। और बहुत सारा वीडियो भी शूट करना है मुझे हेयर केयर पे, मुझे अभी याद आ रहा है। और हाँ, मुझे अभी स्किन को टैन फेस पैक लगाना है स्किन में, सो मैं भी वो लगाऊंगी, फेस केयर करूंगी, स्किन केयर करूंगी। बहुत सारा काम बाकी है, किचन साफ सफाई है, रूम साफ सफाई है, बहुत सारा काम बाकी है। मुझे नहीं पता केरला आने के बाद मुझे इतना क्यों भूख लग रहा है, और मैं बहुत चंपू चंपू लग रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट हेयर वॉश किया है, हेयर वॉश नहीं नहाया है। एक्चुअली मैं आपको बोल रही थी कि मैं भी घर का काम वाम करूँगी, लेकिन मैं बहुत अच्छा वाला एक नींद मारी, अराउंड एक मतलब 1.5 आवर्स का मैंने बहुत अच्छा नींद मारा है। और अभी सारा काम करते करते 6 बज गया, अभी तक घर मेरा समेटना नहीं हुआ है, तो मुझे अभी बाहर जाना है, क्योंकि मुझे राइस लाना है और उसके साथ कुछ मैंने सोचा फ़िश भी ले आऊँगी। तो मैं आज मतलब अभी वहाँ पे जाऊँगी, ऑलरेडी 6 बज गए और यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो मुझे अभी निकलना चाहिए। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, और मुझे भूख लगा है, कोची आने के बाद मुझे इतना ज़्यादा भूख क्यों लग रहा है मुझे नहीं पता। तो अभी मैं जाऊँगी और जल्दी जाऊँगी, क्योंकि रात हो जाएगा। सो देखो शाम का वक्त है और कैसा हो रहा है, और यहाँ पे ना आपको मतलब ग्रीनरी देखने मिलेगा, हर जगह पेड़ पौधा ये आपको ऑब्वियसली मिलेगा। मैं इस जगह का एक फ़ोटो ले लेती हूँ जल्दी से। मोस्ट ऑफ द मतलब मैंने जहाँ जितना देखा है यहाँ पे ऐसे ही रोड होते हैं, गली गली जो है, और एक साइड पे ऐसा एक क्या कहते हैं इसे, रेलिंग कहते हैं शायद, आई डोंट नो, वो होता है, दोनों साइड में ही होता है, लेकिन ये जगह ऐसा। तो यहाँ पे मैं मेरे घर के पास में ही जो मार्केट है वहाँ पे जा रही हूँ, जहाँ पे मैं पिछले संडे को गई थी। तो देखिए ऐसा ही कुछ रोड है मेरे घर के आसपास, और ऐसा ही बिल्डिंग है। बस 6 बज रहा है, लेकिन रात होते हुए आया है, लेकिन बैंगलोर में 7:30 को होता है। तो आपको जो ब्लू कलर के एक वॉल दिख रहा है, वहीं पर एक पास का दुकान है, और अभी मैं जा रही हूँ काकनार मार्केट पे। तो ये देखिए वहाँ का फिश मार्केट, और पास में एक चर्च है मेरे घर के पास पे, ये सेंट फ्रांसिस चर्च है, और इसी शॉप से मैं चावल लाती हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा चावल मिलता है, और अंकल मुझे जानते भी है। तो मैं जब गई थी कैसा था, और जब मैं आ रही हूँ तो कितना अंधेरा है ना, ये फ्लैट का लाइट है। तो ये देखो जाते वक्त ऐसा अंधेरा है, मेरे जो गली में ऐसा है, लग रहा है ना डर, लेकिन मुझे नहीं लगता है। और एक्चुअली स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गई यहाँ का, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। इतना थक गई हूँ ना आज, मैंने इतना काम किया ना, लेकिन फिर भी घर का काम नहीं हुआ, और मैं ऐसी करके घूम कर आ गई। मैंने क्या क्या लाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ।
उतना कुछ खास नहीं लाया है, लेकिन लाया है मतलब ज़रूरत का चीज़ मैंने लाया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लाया है। तो मैं हूँ मेरे किचन में और किचन में है मेरा फ़ैन क्योंकि यहाँ पे भी उन्होंने फ़ैन दिया है और सच में ज़रूरत भी पड़ता है। तो जिस ग्रोसरी शॉपिंग मतलब शॉप में मैं गई थी, छोटा सा ही शॉप था, वहाँ पे अंकल मुझे जान गए हैं, पहचान गए हैं, तो उन्होंने मुझे दो दो डब्बा दे दिया, एक मैं चावल रखूँगी एक मैं दाल रखूँगी, और उन्होंने मुझे कहा कि और भी वो मुझे देने वाले हैं बाद में। तो वहाँ से मैं एक चावल लाई हूँ क्योंकि यहाँ का जो चावल केरला के लोग जो यूज़ करते हैं वो चावल मैं नहीं खा सकती हूँ। ये है सोना मसूरी और है जीरा पाउडर, है दालचीनी, दालचीनी को यहाँ पे कहते हैं पट्टा, ये मैं सीखी हूँ अंकल से। एक ग्रेटर लाया है, ये 50 रुपीज़ का पड़ा मुझे, काफ़ी अच्छा है। दूसरे सारे शॉप में प्लास्टिक वाले को 50 वाले बोल रहे थे, लेकिन ये स्टील का है और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा होगा। अभी मैं चाय के साथ खाऊंगी ये मैं दिखाऊंगी आपको क्या है। मैंने लाया है चिकन जो मुझे अभी क्लीन करना है, ये है फिश जो मुझे क्लीन करना है, और इसमें है आलू प्याज लहसुन और टमाटर। उसके पहले मुझे जाना है जो मतलब डस्टबिन जो है वो मुझे नीचे रख के आना है क्योंकि मैं कल भूल गई थी, कल तो मैं सो गई थी। ये देखिए कैसा हो रहा है क्योंकि हवा चल रही है, इसलिए फूल रही है। मुझे नीचे जाना है, नीचे जाके जो डस्टबिन है वहाँ पर मुझे पेक करना है जो गंदगी हुआ है मेरे घर में, जो भी सारे वेजिटेबल वो सब होते हैं ना वो सब अलग जगह पे करना होता है, और जो प्लास्टिक होता है वो अलग जगह पे फेंकना होता है, सो वो मुझे अभी फेंकना है। तो बहुत सारा काम हो गया है, मतलब कुकिंग का काम हुआ है बस, और मैं अभी बिग बॉस देखूँगी ये मेरा हर दिन का रहता है। और मुझे क्या करना है, मुझे वीडियो भी एडिट करना है, तो मैं थोड़ा बिग बॉस देख लेती हूँ ना, फिर आपसे बात करती हूँ, बाय बाय। तो ये देखिए मेरा चिकन बन के तैयार हो रहा है, मतलब बन के नहीं अभी हो रहा है, और यहाँ पे मेरा राइस बन गया है, खाना ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, मैंने रायता भी बना दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा रायता और ये मेरा डिनर प्लेट, देखिए चिकन करी राइस और रायता, और मैं नीचे बैठ के यहाँ पे खाती हूँ, मेरा कोई भी यहाँ पे डिनर टेबल नहीं है, कुछ नहीं है, और मुझे नीचे बैठ के कम्फर्टेबल लगता है और कम्फर्ट फूड है मेरे लिए। और आपने शायद चिकन करी पे आलू देखा है, तो मैं बंगाली चिकन करी बनाती हूँ क्योंकि मैं हूँ बंगाली और मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो खाना पीना सब हो गया है और अभी मैं करूँगी डीप कंडीशनिंग। तो डीप कंडीशनिंग के लिए मैं मेयोनीज यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए मेयोनीज, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर लगाया है, मैंने इसका वीडियो भी बनाया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो ये लगा कर मैं 30 मिनट्स तक रखूँगी, और उसके बाद मैं मेरे बालों पे एजबा प्रोडक्ट लगाऊँगी जिसका एक्चुअली मुझे डेमो शूट करना है, इसीलिए मैं रात को कर रही हूँ और कल मुझे उसका रिव्यू शूट करना है, इसीलिए इतना सारा काम मैं कर रही हूँ ताकि आप जान पाए कि प्रोडक्ट कैसा है। तो ये लगाने के बाद मैं और शायद आज वीडियो शूट ना करूँ, मतलब ब्लॉग शूट ना करूँ, वीडियो तो शूट करना है मुझे, डेमो शूट करना है उसका, तो फिर मैं आपको संडे को मिलती हूँ, तो आप लोग सो जाइए और कल हम संडे को मिलते हैं। मैं सोची थी अभी और मैं वीडियो शूट नहीं करूँगी, मतलब व्लॉग शूट नहीं करूँगी, मैंने गुड नाइट बाय बाय टाटा भी कर दिया था, लेकिन बाहर में इतना अच्छा बारिश हो रहा है ना, यहाँ पे बारिश हर दिन होता है, हर दिन बारिश होता है, तो मुझे लगा कि चलो दिखाई देती हूँ आप सबको बारिश कैसा हो रहा है। मस्त वाला बारिश हो रहा है, मतलब आप चाहो ना तो जस्ट 2 मिनट के लिए ये आप आवाज़ सुन लो तो आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे लक ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, कैसे पता है, मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर करूँगी तो मेरा वॉइस ओवर पूरा 100% हो गया वीडियो का, तभी बारिश शुरू हो गया। एक तरफ में मेरा लक ने मुझे सपोर्ट किया ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा ना अच्छा अच्छा करते रहो लक। गुड मॉर्निंग, मैं जस्ट उठी हूँ और ये देखिए एजबा का रिज़ल्ट। तो आज मुझे इसका वीडियो बनाना है, बहुत सारा काम है मैं हर दिन कहती हूँ आपको बहुत सारा काम है, लेकिन करती कुछ नहीं इतना लेजी हो गई हूँ ना मैं। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ और चाय बनाकर चाय पी के मैं वीडियो एडिट करने बैठूँगी, आज दो मुझे वीडियो एडिट करके रखना है,
अगर वीडियो एडिट करके रखती हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स लगता है वीक में, अदरवाइज ऑफिस से आके बहुत थक जाती हूँ मैं। तो देखिए बस 9 बज रहा है, लेकिन कितना ज़्यादा धूप आ गया है। कल रात को थोड़ा बारिश भी हुआ था स्टिल। हे गाइस, हाय। तो अभी हो रहा है मतलब संडे का 5:23। मैंने सुबह आपसे बात किया था और मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। मैं पूरा दिन आज वीडियो एडिट करी, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अब तक नहाया नहीं, 5:30 हो गया, क्योंकि मैं पूरा दिन वीडियो एडिट करते हुए लगी रही। और पहले तो मैंने वीडियो शूट किया 2, और उसके बाद मैं एडिट करती रही, और अभी एडिट भी हो गया तो अपलोडिंग पे बैठा दी। तो पूरे दिन मैं वही करी, और तो वही सब कुछ चल रहा था, तो इस बीच में मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और अब मैं थोड़ा सा मतलब हल्का सा नहाऊंगी, क्योंकि बारिश हो रहा है बाहर में, अगर मैं अभी बहुत अच्छे से नहाती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी। तो उसके बाद मुझे चाय बनाना है, और मैंने सोचा कि मैं चिकन नगेट्स भी फ्राई करूँगी, और मेरा चेन यहाँ पे ना अटक गया है तो मुझे ये भी सही करना है, अदरवाइज़ टूट जाएगा ये। तो आज के दिन मैं बिल्कुल भी अच्छे से शूट नहीं कर पाई, मैं खाना भी ठीक से नहीं खाई, सुबह खाई थी उसके बाद मैं काम पे लग गई। और मैं झट से नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। सो मैं फ्रेश हो गई हूँ, और बाहर में हो रहा है कड़क वाला बारिश, और मैं बना रही हूँ चाय और उसके साथ चिकन नगेट्स, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। मैं बाहर का आपका लाइट जला के दिखाती हूँ कैसा बारिश हो रहा है। तो ये देखो 5:30 बजा है और बारिश यहाँ पे ना हर दिन बारिश होता है। मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ क्योंकि लाइट की इतनी ज़रूरत अभी है नहीं। और उसके साथ मेरे किचन में बन रहा है चिकन नगेट्स एंड चाय। ये देखिए चाय का पानी उबल रहा है, मुझे अभी भिंडी बनाना है। ये देखिए मेरे चिकन नगेट्स भी फ्राई हो रहा है। तो ये देखिए मेरा डेडली कॉम्बिनेशन तैयार हो गया है, चाय और उसके साथ चिकन नगेट और कुछ केचप मैंने लिया है। अब मैं ये ग्रहण करूँगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम भूख लग रहा है, तो चलो ये ग्रहण करते हैं अभी।